और जितने लोग रफ गाते हैं ना उतने लोग ज्यादा सुनते हैं, गाने को बढ़ावा देते हैं, तभी तो लोग सिंगर्स लोग गाना गाते हैं। आप अश्लील गाना में काम करना चाहती हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अश्लील गाने में कभी काम कर ही नहीं सकती हूँ। ये कहना चाहती हूँ लोगों से कि प्लीज भोजपुरी को बदनाम ना करें और जितना हो सके अच्छा से अच्छा गाना गाइए लोग की, जहाँ तक कि समाज में लोग लड़कियों को देखे इज्जत की नज़र से। मैं एक फिल्म करूँगी बॉलीवुड का जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होगी, और मैं करूँगी जैसे वरुण धवन के साथ में हो या कोई भी ऐसा अक्षय कुमार के साथ। हमारे साथ मौजूद है अभी अंशिका सिंह जो मॉडल भी है एक्ट्रेस भी है, और आइए इनसे बातचीत करते हैं कुछ खास। तो कैसी है मैम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ लवली जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। मैम आप यहाँ पे किस लिए आई हैं अभी यहाँ पे? मैंने आपको देखा। मैं अभी यहाँ पे शूट करने आई हूँ, भोजपुरी एल्बम्स हैं, गाने हैं, सो मैंने अभी 6 गाने की शूटिंग अभी किया है और अभी 2-3-4 और समथिंग ऐसा अभी करने का है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है और सब लोग मतलब पहचान के है, और आज का दिन ऐसा दिन था कि भोजपुरी के तमाम लोग यहाँ पे थे मौजूद और सबसे मिलके इतने दिनों बाद अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप भोजपुरी में जो काम कर रही हैं एल्बम कर रही हैं, कोई मूवी भी किया है क्या आपने? हाँ मैंने मूवी किया है, अभी रिसेंटली में मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है ये सजना बिहार वाला, और पहले एक फिल्म अभी हिंदी फिल्म रिलीज होने वाली है पटना मेरी जान, पटना वाली दुनिया ले जाएंगे, ये सब में मैंने पहली फिल्म किया था, दूसरी फिल्म किया, तीसरी अभी ये एक और रिलीज होने वाली है तू ही तो मेरी जान हो राधा, और रक्षाबंधन पे है एक फिल्म वो रिलीज होने वाली है। सो काफ़ी फिल्म आने वाली है अभी। अच्छा भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के आपका क्या कहना है? भोजपुरी में अश्लीलता अभी मैं तो जितना गाना सुन रही हूँ ना, सो समथिंग कभी कभी कोई अभी ये चला क्या ताबीज बना दी ओझा जी क्या समथिंग बढ़िया गाना अभी ज़्यादा चलता है, और जितने लोग रफ गाते हैं ना उतने लोग ज़्यादा सुनते हैं गाने को बढ़ावा देते हैं, तभी तो लोग सिंगर्स लोग गाना गाते हैं और शूटिंग करते हैं लोग। लेकिन मैं अभी तक वैसा कोई गाना की नहीं हूँ समथिंग, जो भी मुझे अगर कोई कभी मैं गाने करने जाती हूँ कुछ भी तो अच्छा अच्छा ही मतलब मुझे गाना मिलता है। आप अश्लील गाना में काम करना चाहती हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अश्लील गाने में कभी काम कर ही नहीं सकती हूँ। क्यों? अश्लील गाना पे काम करने के बाद तो लोग वायरल हो जाते हैं, तो आप वायरल नहीं होना चाहती? नहीं नहीं, अश्लील गाने पे एक्चुअली अच्छे अच्छे गाने पे भी लोग वायरल होते हैं, लेकिन भोजपुरी में ज़्यादा कुछ ऐसा रफ होता है गाना उसी को ज़्यादा लोग वायरल करते हैं। और मैं बोल रही हूँ, ये कहना चाहती हूँ लोगों से कि प्लीज भोजपुरी को बदनाम ना करें और जितना हो सके अच्छा से अच्छा गाना गाइए लोग की, जहाँ तक कि समाज में लोग लड़कियों को देखे इज्जत की नज़र से, क्योंकि ऐसे ऐसे गाना बजा के लोग सिटी मारते हैं लड़कियों को। कभी बराती सॉन्ग में मैं सुनती हूँ कि खूब डांस करते हैं लड़के लोग, तो उसमें जाके खूब एकदम ये उल्टा सीधा भी हो जाते हैं, लोग ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं, तो इसके लिए अच्छे अच्छे गाना गाइए। अभी देखिए अभी भोजपुरी में मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी सिंगर थे, पवन सिंह जी हैं, खेसारी जी हैं, एंड कल्लू भी सिंगर है, बहुत लोग हैं ऐसा, सब मतलब सिंगर्स हैं और सब लोग गाना गाते हैं, तो वो लोग तो मैंने कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं कि गाना ऐसा कोई गाते हैं, बस छोटे मोटे ऐसे लोग होते हैं ना वो लोग ऐसे ऐसे गाने निकाल देते हैं इसके लिए। भोजपुरी में आप काम कर रही हैं तो आपको किन किन चीज़ों का फेस करना पड़ा? कहीं हो आज के डेट में सुनते हैं कि लड़कियां जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आती हैं चाहे बॉलीवुड में आती है, वहां लड़कियों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं देखिए मेरे पास गणेश सर भी है, मैंने इनके साथ भी मैंने बहुत सारा गाना किया, और मतलब काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मैंने मतलब एल्बम शूट किया, सब लोग मुझे बहुत मानते हैं ये मैं जानती हूँ। आगे और किन किन एक्टर के साथ आप काम करना चाहती हैं? आगे मैं पवन जी के साथ काम की हूँ और करना चाहूँगी, खेसारी जी के साथ काम की हूँ करना चाहूँगी, ये लोग अच्छे लोग हैं। और बॉलीवुड में जाना चाहती हैं? बॉलीवुड में मैं एक फिल्म करूँगी बॉलीवुड का जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होगी,
और मैं करूँगी जैसे वरुण धवन के साथ में हो या कोई भी ऐसा अक्षय कुमार के साथ में। अच्छा अभी क्या कोई बातचीत चल रही है या कोई प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है आपका? हाँ अभी चल रहा है, इसके लिए मैंने आपको बताया। मेरे मन में रखी हुई थी, मैं आज खोल के बोल रही हूँ क्योंकि मैं वही रहती हूँ ना। अच्छा आप रहती कहाँ हैं? मैं मुंबई भी रहती हूँ और यहाँ भी रहती हूँ पटना में। तो मुंबई से आप आई हैं यहाँ पे एल्बम के लिए? तो अभी कौन सा एल्बम आप यहाँ पे कर रहे हैं? अभी होली का। किस तरीके का गाना? अभी होली का गाना है और भी बहुत सारा गाना था वो सब। तो देख रही है हमारे बिहार की जो है बेटी कितना मेहनत कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह जो है हर एक इंडस्ट्री में हमारे बिहार की लड़कियाँ आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार टाइम्स 24।